अब अपने परावर्तित योजित मेथड पढ़ लेते हैं निकिलम के साथ साथ, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। तो परावर्तित योजित के जो क्वेश्चन है वो है 16, 17, 18 और 19, ये चार क्वेश्चन है। और इसी मेथड का क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था, जो कि 19वां क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये मेथड मैं अभी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि निकिलम से ही रिलेटेड है और सेम यही प्रोसीजर है, बस इसमें थोड़ा मॉडिफाइड डिजिट है वो अपने को लेना है। तो यहाँ पे वो सेम पैटर्न बेस है वो डिविजर को देखकर आपको लेना है। तो बेस 103 के अकॉर्डिंग आपको कितना लेना है, 10। बस इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, वो क्या रखना है वो मैं अभी बता देता हूँ। वो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इसमें ड्यूएशन लेते हो तो निखिलम के अंदर जब आप विचलन लेते थे वो हमेशा ही पॉजिटिव लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपको ड्यूएशन लेना है वो जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे निखिलम मेथड से, तो निखिलम मेथड में जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो जो डिजिट बेस से ग्रेटर देन होता था तो उसमें आप पॉजिटिव लेते थे, और जो लेस देन होता था उसमें आप नेगेटिव लेते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न से आपको यहाँ पर ड्यूरेशन लेना है। तो ये 103 है वो 100 से बड़ा है, तो आपको जो ड्यूरेशन है वो पॉजिटिव लेना होगा। अगर यहाँ 97 होता तो आप नेगेटिव लेते। तो जैसे आप निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई करते थे उसी प्रोसेस से आपको यहाँ विचलन लेना है। तो ये बड़ा है 103 100 से, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये 0 3, ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब जो परिवर्तित अंक है, जो मॉडिफाइड डिजिट है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मॉडिफाइड जो डिजिट है परिवर्तित अंक, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 0 3 नेगेटिव होगा। तो 0 तो न्यूट्रल नंबर है, तो इस पे अपन नेगेटिव का साइन लगाएंगे नहीं, तो इसे 3 पे लगा देंगे, तो ये 3 हो गया है नेगेटिव। अब जो मॉडिफाइड डिजिट आया है इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप पीछे में जो क्वेश्चन किया था निखिलम से, उसमें आप डिवीजन से करते थे, यहाँ पर आपको मॉडिफाइड डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी 0 और 3 के ऊपर ये जो बार है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब सेम जो निखिलम किया था उसी प्रोसेस से अपने को यहाँ पे ये बेस डिविजर डिवीजन और ये यहाँ पे एक नया आया है बस मॉडिफाइड डिजिट, ये लिखना है। अब आपको फर्स्ट कॉलम में ये लिखने के बाद थर्ड और सेकंड में क्या लिखना है, कि थर्ड कॉलम के अंदर आपको बेस के अंदर 2 जीरोज थे, तो लास्ट के 2 डिजिट आपको थर्ड कॉलम में लिखने हैं। तो थर्ड कॉलम में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 54, बाकी के जो भी रिमेनिंग डिजिट है वो 11। तो ये 1 और ये 1 आपको मिडिल वाले कॉलम में लिखना है, तो ये 11 है ये आपको मिडिल वाले कॉलम में उतारना है। अब जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया था, आपको फर्स्ट डिजिट एज इट इज एरो लगा करके आपको नीचे उतार देना है। ये फर्स्ट डिजिट एज इट इज नीचे, ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई किसे करना होगा, 0 3 इससे करना है मॉडिफाइड से। तो सबसे पहले अपन इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, वो एरो के नेक्स्ट आपको लिखना शुरू करना है। 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 के ऊपर जो बार है उससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया माइनस का। अब जो सम करेंगे वो अपने एरो के नेक्स्ट इन दोनों का करेंगे, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये आ गया 1। अब इस 1 का अगेन मल्टीप्लाई 0, तो 0 से किया तो ये आ गया 0, 1 का 3 से करेंगे तो ये आ गया 3 के ऊपर ये बार। अब लास्ट थर्ड कॉलम में जो है उनका अपने को सम करना है, क्योंकि मिडिल वाले तो सारे कर दिए हैं, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ये आ गया है 1, और 5 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ गया है 2। तो ये 21 है, वो 103 से लेस देन है, तो ये फाइनली आपका क्वेश्चन हो गया है, सॉरी फाइनली आपका रिमाइंडर हो गया है, और ये क्वेश्चन आ गया वो 11। तो ये क्वेश्चन है वो है 11, और ये जो रिमाइंडर है वो आ गया है 21। तो इसका आपको आंसर मिला है, भागफल मिला है 11 और शेषफल मिला है 21। तो ये मेथड इस साल आया था, तो बिल्कुल इजी मेथड था, कोई कठिन नहीं था, 2 नंबर का क्वेश्चन जो आया था। अब आगे जो नेक्स्ट है वो 17वां क्वेश्चन, 1358 को आपको 113 से डिवाइड करना है। तो इसमें बेस है वो 100, ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन नंबर है बेस से, तो ये 13 आएगा प्लस का। उसके बाद जो मॉडिफाइड डिजिट है, जो परिवर्तित अंक है वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो ये 13 है वो नेगेटिव होगा, तो ये 1 पे भी आपको बार लगाना और 3 पर भी बार लगाना, यानी दोनों ही नेगेटिव है। अब थर्ड कॉलम में आपको
कौन कौन से उतारने हैं। देखो 100 में दो जीरो हो जाए तो थर्ड कॉलम में लास्ट के दो डिजिट, तो ये 58 है वो थर्ड कॉलम में आएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट बचे हुए हैं वो मिडिल कॉलम में उतारना है, तो रिमेनिंग कौन सा है, ये रिमेनिंग है ये है 13, तो ये 1 और ये 3, थोड़ा सा इंटरवल से उतारोगे। और यहाँ पर आप ये लिख दोगे बेस कितना है 100 है, ड्यूरेशन कितना है ये 13 है प्लस का, और जो मॉडिफाइड डिजिट है ये कितना है 13 है वो नेगेटिव है, तो ये उतार दिया। अब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो इसे मॉडिफाइड डिजिट से ही करना है। तो सबसे पहले आप 1 है ये एज इट इज एरो लगा करके आप नीचे उतारोगे, तो इस 1 को एज इट इज एरो लगा करके आप यहाँ पे नीचे उतार दीजिएगा, तो ये 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है मॉडिफाइड डिजिट के, तो 1 से करेंगे तो ये 1 आएगा, तो इस 1 के ऊपर है बार, 1 का इस 3 से करेंगे तो ये 3, और इस 3 पर भी बार है क्योंकि नेगेटिव है। अब जो अपन सम करेंगे वो एरो के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है उनका करेंगे, तो ये 3 में से 1 है ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस का है, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब आपको इस 2 का मल्टीप्लाई 1 और 3 से करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एरो के नेक्स्ट आपको लिखना है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 2, तो ये किसका होगा नेगेटिव होगा, 2 का 3 से करेंगे तो आएगा 6, ये भी नेगेटिव होगा। अब आपको जो सम करना है वो लास्ट कॉलम में जो बचे हुए उनका करना है, तो ये 8 में से 6 है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कितना बचेगा आपके पास 2, और 5 में से 3 और 2 दोनों ही 5 हो गए हैं, ये माइनस का है तो 5 माइनस 5 हो गया 0, तो ये हो गया है आपके पास फाइनली आंसर, तो ये क्वेश्चन हो गया और ये हो गया है रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, ये 1432 को आपको 88 से डिवाइड करना है, तो इसमें जो बेस लेना है वो अपने को 88 को देख कर लेना है, तो 88 किसका क्लोज नंबर है 100 का, तो इसमें आप लिख दोगे बेस, बेस कितना लिया है 100। अब जो ड्यूरेशन आएगा तो ड्यूरेशन ये 88 ये 100 से लेस देना है, तो ये 88 से लेस देना है, तो 88 अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो ये कितना आएगा, माइनस का आएगा ये 12 ड्यूरेशन, तो माइनस का आया ड्यूरेशन, और जो मॉडिफाइड डिजिट होगा वो ड्यूरेशन वाले का साइन चेंज करना आपको, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो 12 है इसके दोनों ही डिजिट है ये पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये मॉडिफाइड डिजिट 12 आ गए, तो पॉजिटिव लेते थे अपन जैसे निखिलम से डिवाइड करते थे, तो ये वो पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे इसमें भी, बाकी के अंदर तो ये मॉडिफाइड डिजिट है वो नेगेटिव आने के बाद उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर आपको ऐड का प्रोसेस करना होगा, तो ये मॉडिफाइड डिजिट आ गया है 12। अब आपको फर्स्ट कॉलम में जो ये लिखना है बेस, तो ये बेस लिख दिया 100, जो ड्यूरेशन है ये है 12 माइनस का, और जो मॉडिफाइड डिजिट है ये आया है पॉजिटिव, तो ये 12 है ये प्लस का है, तो ये मॉडिफाइड डिजिट। अब थर्ड कॉलम के अंदर बेस में दो जीरोज है, तो डिवाइडेंड से लास्ट के दो डिजिट आपको थर्ड कॉलम में उतारना है, तो ये 32 है, तो ये 3 और 2 मिडिल वाले कॉलम में बाकी जो रिमेनिंग बच गए हैं 14, तो ये 1 और ये 4, ये उतार दिया है मिडिल वाले कॉलम में। अब आपको जो एरो लगा करके नीचे उतारना है फर्स्ट डिजिट को, तो ये एरो लगा करके आप फर्स्ट डिजिट 1 को एज इट इज नीचे उतार दीजिएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 12 से करना है, तो 1 का 1 से करेंगे तो ये आएगा 1, तो ये यहाँ पे लिख दिया एरो के नेक्स्ट डिजिट के नीचे, फिर 1 का 2 से करेंगे तो ये 2। अब जो अपन सम करेंगे वो एरो के नेक्स्ट दोनों डिजिट का करेंगे, तो ये 4 और 1 है इनका सम करेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा ये 5। अब 5 का अगेन मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 5 का 1 से करेंगे तो ये आएगा 5, 5 का 2 से करेंगे तो ये 10 है, वो 2 के यहाँ पे नीचे लिखना है आपको। अब आप इनको सम करोगे तो सम करेंगे तो 10 में आपको 2 ऐड करना है, तो 10 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो ये आ गया है 12। अब 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 टू 6 और 5 में 11। अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन आया है 88 से, क्यों आया, क्योंकि आपके पास मॉडिफाइड है वो पॉजिटिव था, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये हमेशा ही लेस देन आएगा क्योंकि उसमें आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये 112 पॉजिटिव आ गया है और ये 88 से ग्रेटर देन है, तो ये फाइनली आपका रिमाइंडर नहीं होगा, तो पीछे क्वेश्चन आया था उसी तरह से आप रफ वर्क के अंदर डिवाइड करोगे वो 112 को 88 से करो, तो ये आपके लिए रफ वर्क होगा।
112 को आप 88 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स होगा, तो ये 88, तो 112 में से 88 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 12 में से 8 जाएगा तो ये 4, और 10 में से 8 जाएगा तो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 24 आया। अब जो आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चेंट आया है ये 1, ये पहले वाले के अंदर आप ऐड कर दोगे तो ये 15 और 1 हो जाएगा ये 16, और जो आपने 112 माइनस 88 किया ये प्रोसेस आप यहाँ पर लिख के दिखा दीजिएगा, 112 माइनस 88 करोगे तो ये आएगा 24, तो ये 24 फाइनली आंसर होगा और ये 16। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो है 16 और जो रिमाइंडर आया है वो आया है 24, तो ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है तो इसमें आंसर है 16 और 24, तो भागफल आ गया है 16, शेषफल आ गया है 24। अब जो 19वां क्वेश्चन अपन करेंगे वो इस साल बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया था 2 नंबर में। तो 19वां क्वेश्चन है वह 14885 को 123 से आपको डिवाइड करना है, तो इसमें बेस 123 के अकॉर्डिंग आप लिखोगे बेस, तो बेस है वो 100 के क्लोज नंबर है, उसके बाद जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 123 100 से ग्रेटर देन है तो ये 23 आया है ये ड्यूरेशन। अब जो मॉडिफाइड डिजिट आएगा वो आएगा नेगेटिव क्योंकि ड्यूरेशन का जो साइन आता है उसका अपोजिट साइन अपने को मॉडिफाइड डिजिट में लेना है, तो ये आ गया 23। अब फर्स्ट कॉलम में आपको ये सेम चीज़ें लिखनी है, बेस बेस आपने लिया है 100, उसके बाद में आप यहाँ पे डिविजर लिखो तो लिख सकते हो, डिविजर डिविजर है 123, उसके बाद जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है वो है 23 पॉजिटिव, और जो मॉडिफाइड डिजिट है वो है 23 है वो नेगेटिव। तो अब आपको जो मल्टीप्लाई करोगे वो इस मॉडिफाइड डिजिट से ही आपको करना है। अब थर्ड कॉलम के अंदर आपको कौन कौन से डिजिट उतारने हैं, देखो बेस आपने 100 लिया है तो थर्ड कॉलम में आपको 2 डिजिट 85, क्योंकि 100 में 2 जीरोज है तो लास्ट के 2 डिजिट आपको थर्ड कॉलम में, तो ये 85 आपको थर्ड कॉलम में यहाँ पे उतारना है। बाकी के जो तीनों डिजिट है 1, 4 और 8, ये मिडल वाले कॉलम में थोड़ा थोड़ा गैप से 1, 4 और 8। अब सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट को एज इट इज एरो लगा करके नीचे उतार दोगे, तो फर्स्ट डिजिट है वो ये 1, ये 1। अब इसका मल्टीप्लाई अपने करेंगे 23 से, तो पहले 1 का 2 से होगा तो ये 2, 4 के नीचे यहाँ पे आप लिखोगे ये माइनस का, 1 का 3 से करेंगे तो ये 3, ये भी माइनस का। अब बाकी के जो क्वेश्चन थे उसमें ओनली आपके पास मिडिल वाले कॉलम में 2-2 डिजिट उतारने थे, लेकिन यहाँ पे ये 3 डिजिट उतारने हैं तो ये 3 बार आपको यहाँ पे सम करना होगा। अब आपको एरो के नेक्स्ट एक का ही सम करना है, दोनों को नहीं लेना है, एरो के बाद में आने वाले सिर्फ ये फर्स्ट लाइन इसी का आपको सम करना है। तो 4 में से ये 2 ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आएगा 2, तो ये 2 आपने यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस 2 का मल्टीप्लाई आप मॉडिफाइड डिजिट से करोगे तो 2 का 2 से होगा तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस का, और 2 का 3 से करोगे तो ये 6 है, ये भी माइनस का। अब आपको अगेन कैलकुलेशन करनी है और वो इस थर्ड वाले की करनी है, तो 4 और 3 ये तो हो गया 7 माइनस का और 8 है प्लस का, तो इनको आप सम करते हो तो ये कितना बचेगा 1। अब आपको 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आया ये माइनस का, 1 का 3 से करोगे तो ये 3 भी माइनस का। अब आप थर्ड कॉलम में जो भी आपके पास डिजिट है उनको आप सम कर लीजिए, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 2, 6 और 2 8 हो गया है, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0, तो ये आ गया है आपके पास रिमाइंडर और ये आ गया है क्वेश्चन। तो इसका फाइनली आंसर हो गया है, भागफल तो है 121 और जो शेषफल है वो आया है 2, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कॉलम में आप लिखना शुरू करते हो ये जैसे आपने ये जो लाइन है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो उसके बाद यहाँ जो स्पेस है वो कम बचेगा, तो यहाँ पे कई बार जैसे अभी जो आपके पास क्वेश्चन थे उसमें ये 2 ही सम करने थे, अब ये तीसरा और आ गया है तो उसके बाद यहाँ लास्ट तक आपके पास ये काफ़ी इंटरव गैप चाहिएगा, तो आप अगर क्वेश्चन में ये लाइन
यहाँ ऊपर अगर आप ड्रॉ कर देते तो ये गैप इतना नहीं बचता, तो फिर आपको दोबारा कैंसिल करके सही करना पड़ता। इसलिए ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हो जब आप कॉलम बनाते टाइम, तो ये थोड़ा आप इन लाइनों को आप थोड़ा बड़ा रखिए और ये लाइन आप थोड़ा नीचे यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, ताकि ऊपर दो लाइन तीन लाइनों का आपको सम करना पड़े तो आप आसानी से कर सको, आपको दोबारा उसको करेक्शन नहीं करना पड़े। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो ये इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, तो अच्छा क्वेश्चन था ये दो नंबर का।